हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो जो है साइंस से है, आपके अवतल और उत्तल दर्पण से। इससे बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न आते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, वस्तु प्रतिबिंब जो होगा बड़ा होगा वस्तु से कि छोटा होगा, ये पूरा चीज़ हम लोग ट्रिक से हम लोग बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। और आप यदि ये भी आपको याद भी होगा ना, फिर भी आप इसे देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और इस ट्रिक को अपने जूनियर स्टूडेंट को, जूनियर आपके जो भाई होंगे या जूनियर स्टूडेंट जो होंगे आपके घर के अगल बगल, उसको भी बताइएगा क्योंकि ट्रिक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है, तो अब आपके मैं मैथ के साथ साथ आपके साइंस का भी आसान बनाने में लगा हूँ और आपके हर एक टॉपिक को मैं आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इसका हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसमें ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, ये आपका ये जो फिगर है आपका, ये अवतल दर्पण का ये बनाए हैं हम। और आप लोगों को पता है कि जो अवतल दर्पण का भाई यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सी होता है, क्या होता है आपका सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, और इसे हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ, फोकस बोलते हैं। यहाँ पर फोकस आपका होता है, यहाँ पर फोकस होता है। ठीक है, आपका एफ हो गया। ठीक है, और ए आपका हो गया आपका अनंत। क्या हो गया? इधर इसको मैं थोड़ा और इधर बनाता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमको ट्रिक अप्लाई करना है, यहाँ पर हमको दिक्कत ना हो कोई, यहाँ पर मैं सी कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आपका अनंत को हम लोग इस चिन्ह से दिखाते हैं, आपका अनंत हो गया। अब इसमें देखिए, बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पर वस्तु रहेगी तो कहाँ पर फोटो बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। ये हर एक चीज़ को आप लोग को मैं ट्रिक से बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरा गारंटी है, वादा है, कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, पहले हमको आप बात बताइए कि वस्तु को रखते किधर है, लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु को हम लोग बाएं साइड रखते हैं, बाएं साइड इधर रखते हैं वस्तु को। तो अवतल दर्पण के पास यहाँ पर तीन पॉइंट है, मुख अनंत यहाँ पे है, आपका ये सी है, आपका एफ है, इस पर हम वस्तु को रख सकते हैं आराम से। ठीक, इसके बाद एक यहाँ पर और हो जाएगा कि अनंत और सी के बीच कहीं भी हम वस्तु को रख दें। कितने बच्चे समझते हैं ना कि अनंत और सी का मतलब हुआ ना, सी के बीच कहने का मतलब ना कि दोनों के ना पर जो कि एकदम बिचुआ में, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अनंत और सी के बीच कहने का मतलब कि इसके बीच कहीं यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो कुल पॉइंट छः गो होगा। कुल जो आपका होगा पोजिशन, छः जगह वस्तु को हम लोग रख सकते हैं। कितना कहाँ कहाँ पर? अनंत पे और एक सी पे, एक एफ पर, तीन गो पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट अनंत और सी के बीच रख सकते हैं यहाँ पे, और सी और एफ के बीच पांचवा पॉइंट, और एक यहाँ पर आपका पी होता है जिसे पोल बोलते हैं, ध्रुव, तो एफ और पी के बीच रख सकते हैं, यही ना। अब देखिए यहाँ मजा आने वाला है, हमने आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ये वस्तु हो गया, यानी वस्तु आपका इधर से जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब इधर से आएगा, प्रतिबिंब इधर से आएगा, प्रतिबिंब इधर से आएगा। अभी देखिए, आप घबराइए मत, आपको ये पूरा मैं आपको डीपली इसको बता रहा हूँ, उसके बाद से आपको लास्ट में एक ऐसा दूंगा जहर ट्रिक कि आप लोगों को कुछ याद करना ही नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको मालूम ऐसा ही रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अभी गौर कीजिएगा इसको, देखिए ध्यान से, इधर से वस्तु और इधर से प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु का जो पोजिशन होगा इधर वाला होगा और प्रतिबिंब का होगा इधर वाला होगा। यानी जब ही वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर, यहाँ पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब फोटो बनेगा, यहाँ पर फोकस बनेगा। ठीक है, अब इसको जब इसके बीच रखेंगे हम, तो ये इसके बीच आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अभी भी आपका समझ नहीं आया है, चलिए मैं यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे बताना है आसान से आसान भाषा में करके, और ये मेरा आदत है कि हर टॉपिक को आसान कर दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए बाबू आप यहाँ पर काम करो, लिखो वन, गिनती आता ना गिनती, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक, ये फाइव के बारे में बता रहा हूँ, एक और इसका बनेगा आपका का फिगर, उसके मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, इस गिनती को काउंटिंग को उल्टा करते हैं नीचे से, वन टू थ्री फोर फाइव। ये जो नीचे वाला नंबर है जो है, ये जो नंबर है आपके फोटो के बारे में बताएगा, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में इंडिकेट करेगा, और ये जो नंबर है ये आपका वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करेगा, यानी वस्तु का हम लोग बिंब भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए हमें कि जो ये नंबर वन है, ये वस्तु को
नंबर वन है, यानी इस यहाँ पर एक वस्तु कोई है नंबर वन पर, तो इसका फोटो देखिए, फोटो वाला वन नंबर, यानी प्रतिबिंब नंबर वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बनेगा, ठीक है, ओके। अभी घड़ी मत, अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसके लास्ट में बताऊँगा आपको ट्रिक, एगो जौहर ट्रिक, उसको आप देख कर जाना है। देखिए सेकेंड नंबर जो है वस्तु में, सेकेंड नंबर है किसके बीच है, अनंत और सी के बीच। अब देखिए प्रतिबिंब में जो आपका जो ये दो है किधर है, किसके बीच है, सी और एफ के बीच, यानी जब वस्तु रहेगी अनंत और सी के बीच, उसका फोटो जो बनेगा सी और एफ के बीच बनेगा। और हमारा नंबर रहा थ्री, थ्री पर देखिए, थ्री पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थ्री पर ही बनेगा, ये कहा हो गया आपका, जहाँ आपके वस्तु है वहीं पर कहा हो गया प्रतिबिंब बन गया। फोर देखिए, फोर कहाँ है, सी और एफ के बीच है, तो फोर देखिए इसके बीच कहाँ बन रहा है, ये अनंत और सी के बीच। फाइव कहाँ है, एफ पर है, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा आपका, एफ पर, यहाँ पर पाँच पर बन जाएगा। इतना आप लोग समझ गए, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, फिर से मैं एक चीज़ को अप्लाई करता हूँ, देखिए फिर समझिए, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अभी भी आपको एक लास्ट में ट्रिक बताऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा, सच में बोल रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ, एक छोटू, एक लड़का है, ये लड़का लड़का है, ठीक है, इसका आँख देखिए, ये आँख है, ठीक है, पहले मैं इसे बना लेता हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो चालू करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इस फिगर को देखिए आप लोग, कितना यहाँ पर आप लोग को आराम से इसे आप लोग सीख जाएंगे। देखिए एक यहाँ पर लड़का है, और लड़का यहाँ पर खड़ा है अनंत पर, उसके बाद वो चल कर यहाँ पर आया, किसके बीच, अनंत और सी के बीच, उसके बाद यहाँ पर गया, तो ये बराबर लंबाई के है, देखा है ना, इसका लंबाई सेम है, सी पर आया, फिर इसके बीच आया, सी और एफ के बीच आया, फिर कहाँ गया, आपके एफ पर गया, ठीक है। अब इसका फोटो अलग अलग प्रकार के बनेगा, आप शीशा के सामने जाते हैं जो अपने घर में रहता है, तो आप दूर खड़े होंगे तो आपके अलग कम साइज का बनेगा, जितने पास जाएंगे उतने ही बड़ा बनेगा, आप ऐसा समझो। आप मैं देख रहे हो वीडियो, ये मेरा हाथ देखिए, हाथ जितने मैं आपके पास जाऊंगा ना उतना बड़ा बनेगा, जितने मैं आपके पास जाऊंगा उतना ही देखिए आपको कम दिखाई देगा। देखिए अभी आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये दिखाई दे रहा है कि एक दो तीन चार पाँच वो है ये, ठीक है। अब मैं जितने पास जा रहा हूँ उतना ही बड़ा हो रहा होगा, देखिए बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि आपको देखिए कितना यहाँ पर अब पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी अवतल दर्पण जो होता है उसके पास जितना आप जाओगे उतना ही वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जितना ही पास जाएंगे अवतल दर्पण के सामने उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही छोटा बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए सबसे अनंत में चला गया है एक वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु बोलेंगे, इसे वस्तु बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सबसे लास्ट में चला गया है, ये लड़का है लास्ट में खड़ा है, तो बेचारा का फोटो बना है कहाँ पे, फोकस पर एकदम छोटा बना है, और तल दर्पण के सामने जितना ही दूर रखेंगे ना वस्तु उतना ही छोटा बनेगा, ठीक आया समझ में। अब देखिए उल्टा बनेंगे, उल्टा कहने का मतलब कि इसका देखिए ये नाक इसका नीचे में है, तो इसका नाक ऊपर में हो गया, ये ऐसा हो गया, देखो यहाँ वस्तु ऐसा रहेगा ना तो फोटो बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, आँख ऊपर रहेगा नाक नीचे हो जाएगा इसका, यानी उल्टा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका अवतल दर्पण में फोटो आपका इधर इस साइड बनता है ना इस साइड, तो हमेशा आपका उल्टा बनता है, और वो सॉरी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका अवतल दर्पण में इधर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के इस साइड बनता है कोई प्रतिबिंब, तो वो होता है आपका उल्टा होता है, और वो रियल इमेज होता है, आपका वास्तविक फोटो होता है, ठीक, और उल्टा होता है। देखिए इसको मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको उल्टा किया 1 2 3 4 5, ये जो है आपका ना ये क्या दिखा रहा है बताइए, प्रतिबिंब, 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 ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी एक और ट्रिक है, मैं बोल रहा हूँ तीन बार बोल चुका हूँ, वो ट्रिक को देखकर जाना है, ठीक है। देखिए एक नंबर पर खड़ा है लड़का, एक नंबर मतलब कि आपका अनंत पर, तो देखिए फोटो कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे। दो नंबर देखिए वही लड़का है, सेम लंबाई का है, दो नंबर देखिए लड़का है यहाँ पर आया, किसके बीच, अनंत और सी के बीच गया, तो देखिए दो नंबर कहाँ इसका फोटो बन गया, सी और एफ के बीच बन गया, उल्टा हो गया ये, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कहाँ गया ये, सी पर गया, कहाँ गया ये, सी पर गया, तो देखिए तीन नंबर पर गया ना ये, तो सी पर गया, तो इसका फोटो देखिए कहाँ बना, सी पर बना, तीन नंबर बना, ठीक है। यानी इस पोजीशन पर जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा भी बना है, सेम लंबाई का बना है, ठीक है। अब देखिए सी और एफ के बीच गया, तो इसका देखिए चार नंबर वाला है ना, तो चार नंबर वाला देखिए प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पर देखिए इतना लंबाई के इससे बड़ा बन गया, देख रहे इतना बड़ा बन गया है। अब अनंत पर गया है, अनंत पर ये गया है आपका ये
तो देखिए पाँच नंबर ये लड़का गया आनंद पर, तो पाँच नंबर देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बन गया है ये प्रतिबिंब। यानी जब फोकस के पास चल जाएंगे हम लोग तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा। यानी हमने अब आपको अभी बताया कि दर्पण के सामने जितना पास में चल जाएगा उतना ही उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप खड़ा होते हैं तो आपका पूरा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। आप ऐसा देख सकते हैं कि साइकिल जो होता है ना, साइकिल साइकिल का जो घंटी होता है, घंटी वो टेर रहता है। नया नया साइकिल साइकिल जो होती है, नया साइकिल किन कर लाए होंगे आप, तो जो घंटिया होता है ना, तो घंटिया का सामने लेकर जाएगा अपना मुहावा। देखिए अपना नाकवा जो होगा, नाकवा ना, नाकवा खूब बड़ कर देगा, फोक देगा, फोकस के फेंक देगा ऊपर में, लगेगा कितना बड़का नाक हो गया है। जो आपके घंटी है ना साइकिल का, नया का घंटी है, उसको जाकर देखिएगा। चाहे यहाँ पे घर में होगा कल छूल दाल चलाने वाला जो नया होगा, जो चमकता होगा, उस पर जाकर देखिएगा हैंगन, चाहे चम्मच हुआ आपका चम्मच, जाकर देखिएगा ना, तब नाक बड़ कर देगा। यानी कहने का मतलब कि वो जो होता है ना घंटी और कलचुल होता है, अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो आपने क्या सीखा कि अवतल दर्पण के सामने जितना पास जाएंगे उतना ही क्या होगा, वो वस्तु को प्रतिबिंब को बड़ा करेगा। ठीक, अब रही बात कि बड़ा होगा कि छोटा होगा और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति आपका हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, वास्तविक वास्तविक होगा और उल्टा होगा। एक बात गौर कीजिएगा, आपका प्रश्न कहाँ से आते हैं एग्जाम में, वो चीज़ यहाँ पर आपको अभी मैं बताऊँगा। देखिए आप याद रखिए, बराबर बराबर मेरे भाई, बराबर बराबर कोई वस्तु है, उसे थोड़ा छोट करेंगे तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा, और छोट करेंगे तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, तो याद रखो बराबर, छोटा, बहुत छोटा। अब बराबर से जो बड़ करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा, और बड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यानी आप लोगों को चालू कैसे करना है, बराबर से, और बराबर से जाएंगे पीछे की ओर प्रतिबिंब के तो छोटा बहुत छोटा, आगे जाएंगे तो बड़ा बहुत बड़ा। देखिए तो आपका फोटो बना है यहाँ पर, देखिए बराबर बनाएंगे, ये क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, वस्तु के बराबर है। पीछे क्या होगा, छोटा होगा, और छोटा क्या हो जाएगा, और छोटा जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग बहुत छोटा या अत्यंत छोटा। ठीक है, आगे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये आपका कंफर्म हो गया कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। यानी जब भी आपका सी पर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका फोटो सी पर ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा और बराबर बनेगा। ये बात आप लोग सीख गए। और जब भी आपका यहाँ पर अनंत पर रहेगा वस्तु, अनंत पर सॉरी फोकस पर रहेगा तो उसका फोटो बनेगा अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग इतना हम आपको बताएं इस चीज़ को समझने के लिए, अब आप चाहते हैं ना तो इसका मात्र आप इसे याद करना तो नहीं है, समझिए कि याद करना ही नहीं आपको हर चीज़ को। आप लोग ऐसा देखिए, सुनिए, आप कहेंगे सर इसको और छोट कीजिए और ट्रिक लगाइए, तो इसमें और ट्रिक हम घुसा रहे हैं। देखिए कितना घुसा रहे हैं ट्रिक की, ये खुद रोएगा कि इतना ट्रिक कहाँ कर दिया भाई, हमको इतना छोटा कहाँ कर दिया। देखिए ट्रिक तो हम ट्रिक मानने की मेरी ये आदत है बाबू, चौले को याद रखो कि आप लोग याद रखना है क्या, सी और एफ, अनंत सी एफ, अनंत अनंत और ये आपका सी और एफ। बस देखो पहला आप अनंत वस्तु के जो पोजिशन है लिखना है अनंत, ठीक है, अब इसके बीच क्या होगा, अनंत और सी, अनंत और सी, फिर सी, फिर क्या आपका सी और एफ आ जाएगा, तब एफ आ जाएगा। अभी पांच के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, अनंत हो गया, अनंत से सी हो गया, आपके पास सी हो गया, फिर सी से एफ हो गया और आपका क्या हो गया, एफ हो गया। अब जो होगा आपके जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको आप कुछ मत करो, इसको उल्टा लिख दो, जो ऐसा लिखो है ना इसको उल्टा लिख दो आप, और एफ को यहाँ पर लिखो आप, अब इसको यहाँ लिखो आप, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, बोलो मजा आया, मजा आया, अभी और मजा आएगा, इससे भी छूट करने वाले हैं हम, कहाँ टेंशन ले रहे हो हम, है ना, और ही मजा आएगा, मजा आया तो लाइक करो। ठीक है, अब देखो यानी हम लोग ने इस चीज़ को लिख लिया, खाली इतना याद किया कि अनंत अनंत सी एफ, फिर सी एफ, फिर सी एफ, और यहाँ पर क्या हो गया आपका एफ हो गया, इसको उल्टा कर दिया प्रतिबिंब हो गया। यानी जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच रहेगा, सी और एफ के बीच, और क्या होगा आपका आपका रहेगा क्या, सी पर रहेगा सी पर, और सी और एफ के बीच रहेगा तो एफ अनंत और सी के बीच। आया कि नहीं आया, अब देखो ध्यान देना, अब प्रतिबिंब के आकार, साइज, साइज रे भाई मेरे, देख लो साइज के लिए आप लोग कहाँ ध्यान देना, सी पर, किस पर, सी पर, साइज पर, ये होता है बराबर, क्या होता है बराबर, और जाएंगे पीछे तो छोटा और बहुत छोटा, पहले छोटा होगा और तब बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब आगे जाएंगे बराबर से तो क्या होगा, बड़ा होगा, उसके बाद बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत
बड़ा हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए, यानी जब भी आपका फोकस अब वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब कोई लड़का ना थोड़ा सा तेज होगा ना, तो इतना ना करके खाली ये चीज़ याद रखेगा तभी हो जाएगा। कैसे, देख लो, वस्तु आपका अनंत, अनंत से सी, फिर सी, और फिर सी से एफ, और एफ, थोड़ा सा जो तेज होगा ना वो खाली इतना याद कर लेगा, हो जाएगा। ये वस्तु हो गया, इधर से वस्तु और इधर से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नीचे से ऊपर की ओर। चलो, वस्तु अनंत पर, ऊपर देखो, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, इसका जरूरत ही नहीं है टेबल टेबल को। वस्तु किस पर, अनंत और सी के बीच, प्रतिबिंब किस पर, सी और एफ के बीच, यानी ऊपर से नीचे आएंगे वस्तु को लेकर के, तो प्रतिबिंब जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। आप बताओ कितना मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है, बताइए, बताओ। ये ऐसा चीज़ आप लोग को पता था, इसी चीज़ में सब छिपा हुआ है। अनंत पर तो फोकस पर, अनंत और सी पर तो आपका वजह सी और एफ पर, यानी नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे वस्तु के पोजिशन लेकर के, तो प्रतिबिंब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब सी पर आएगा, सी पर नीचे आ गए हैं, सी और एफ के बीच रहेगा वस्तु, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत और सी के बीच। थोड़ा सा जो तीसरा दिमाग लगाएंगे इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब क्वेश्चन आपको जो प्रश्न पूछता है वो कहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए, दर्पण में एक और यहाँ पर होता है आपका पी और एफ, इसे बोलते हैं ध्रुव। इसके बीच कोई हम वस्तु रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो इसका फोटो बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है। तो यानी जब पी और एफ के बीच रखेंगे आप लोग, ये छवा पोजिशन हो गया, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, क्या बनेगा, पीछे बनेगा। और ये आपका होता है आभासी, क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। और जितना ये पढ़े सभी का आपका वास्तविक उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, उल्टा है। ठीक है, ये सब आपका वास्तविक उल्टा है, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक ही बार लिख दिए यहाँ पर, सब वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। और आपका एक ही जो पोजिशन है पी और एफ, ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ये दोनों समझिए, दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है, सीधा और रहेगा, आभासी बनेगा तो सीधा रहेगा। अब जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए, सबसे अधिक पूछा जाता है ये वाला, और सबसे अधिक ये वाला, ध्यान दीजिए, और ये वाला सबसे अधिक पूछेगा क्या कि बताइए कि हम अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखेंगे कि वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, तो आपका क्या होगा, पी और एफ के बीच। इसे इसलिए अधिक बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण जो है हमेशा आपके जो है वास्तविक उल्टा बनाता है, यही एक पोजिशन है जहाँ पर क्या बनाता है, ये आभासी बनाता है, इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा क्या कि बताइए कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो यही आंसर होगा। बताइए कि अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कब बनता है, यही आंसर होगा। इन प्रश्न पूछने का आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न का आंसर वही होगा आपके। ठीक है, फिर पूछेगा बताइए कि सी पर कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। फिर इसको प्रश्न पूछेगा बताइए कि अवतल दर्पण में बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, तो आपके वक्रता केंद्र पर, सी पर रखेंगे। तो ये सब रहा आपके अवतल दर्पण के बारे में। इससे भी अभी भी इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हमारे ख्याल से इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, हर चीज़ आपको हम बता दिए हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए ना, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। उत्तल दर्पण के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है ये, आपका पिछले साल का वीडियो है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें हमने बताया है उत्तल दर्पण के बारे में, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।